संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी को 17 जुलाई को प्रीतम कांकेर नगर आगमन पर गफ्फार मेमन विधायक प्रतिनिधि व महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। कांकेर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिशुपाल सोरी जी के संसदीय सचिव बनने के बाद प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूल माला, पुष्प गुच्छा व आतिशबाजी से जोरदार स्वागत किया। नगर के पीजी कॉलेज के पास युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद विधायक सोरी पैदल ही विश्राम गृह पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का स्वागत व बधाई के लिए हुजूम उमड़ पड़ा, जहां सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक एक कर स्वागत कर बधाई दी। विधायक सोरी के इस उपलब्धि के लिए कांकेर के मीडिया के साथियों ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक व संसदीय सचिव सोरी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, हमारी पार्टी किसी भी प्रकार के ब्लैकमेलिंग और अवैध उगाही का समर्थन नहीं करती, ऐसे लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है, यदि होंगे तो उनके खिलाफ FIR करवाई जाएगी। यह सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सारे मीडिया कर्मियों की तरफ से। धन्यवाद भाई। आप संसदीय सचिव बने हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी बताइएगा। जो क्षेत्र की जनता है, जिस स्वास्थ्य के साथ हमको चुना है, सरकार को चुना है, वही हमारी प्राथमिकता है। और हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करने जा रहे हैं, हम पूरे के पूरे धीरे धीरे। और जहाँ स्थानीय स्तर की बात है, हमारी जो प्राथमिकता रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इसके अलावा जो के बारे में, कांकेर के बारे में अपना जो सपना है, कांकेर को प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत वरदान दिया है, हम उसका समुचित संवर्धन नहीं कर पाए। अभी हमारे नदी का है, दून नदी का, गड़िया पहाड़ का है, रोड का है, एक सुव्यवस्थित मार्केट, एक ऑडिटोरियम सुव्यवस्थित होना चाहिए, मंगल भवन सुव्यवस्थित होना चाहिए, ताकि गरीब लोग भी अपने शादी विवाह कर सके। और आप देखेंगे कि 2-3 साल के अंदर कांकेर का दृश्य बदलेगा, और न केवल हम इसको सुंदर बनाएंगे बल्कि एक धार्मिक नगरी के रूप में, एक पर्यटक नगरी के रूप में इसको विकसित करने का हमारा प्लान है। ये कांकेर में जो पुलिस की अभी जो गतिविधियां हैं, पुलिस के ऊपर जो लगातार रोज आरोप लग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, SI किसी न किसी थाना के SI के ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं, ये क्या है, क्या अंकुश कैसे लगे? पूरे हमारे ध्यान में है और इस पर पूरी कार्रवाई भी होगी, और जो भी मुनासिब उनके खिलाफ एक्शन लिए जाना वो लेंगे। हमने उनके अधिकारियों से हम लगातार हम बात कर रहे हैं, और एक प्रक्रिया होता है उनका, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लग रहा है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा जो जनतंत्र है उसकी जीत होगी, हमारे जनता के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी बदतमीजी करेगा, बदतमीजी करेगा उसका मातम जवाब दिया जाएगा। महोदय जी, आपके एक रेंजर के ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उस पर आपको क्या कहना है? उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, वो जो उनकी दीपाजी और पुलिस की जाँच है उसमें भी चल रहा है, उसमें जो कार्रवाई होगी वो होगा। मोदी जी, आपके एक जो जिम्मेदार पद में रहते हुए इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर एक बड़ा जो एडिशनल SP है उसके ऊपर एक बड़ा वो आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का यहाँ का, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, कांग्रेस एक संगठित पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें एक दो इस तरह के लोग हो सकते हैं पार्टी में, पर इस तरह के लोग जो कर रहे हैं वो हमारे पार्टी के रीतिनीति से कोई संबंधित नहीं है। हमारा पार्टी का कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हम किसी को ब्लैकमेल करें, किसी को डराए धमकाए और पार्टी के नाम पे अवैध वसूली करें। इस तरह उनको पार्टी के तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से संगठन को भी सूचित करेंगे, ताकि संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, पार्टी की छवि खराब हो रही है साफ तौर पर, तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी कांग्रेस पार्टी? लंबे समय से हो रहा है, ये कांग्रेस के बहुत बड़े प्राथमिक सदस्य भी नहीं है कांग्रेस का, मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बताता हूँ। मैं संगठन सभी दुनिया को बढ़ने की किसी भी नगर निरंतर विज्ञप्ति जारी करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि संगठन हमारा बारीकी से निर्णय कर रहा है, क्योंकि संगठन का काम है, संगठन के अधीन ही मैं भी, मैं चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊं, पर हमारा जो संगठन है
वो हमारे सर्वोपरि है और संगठन के ध्यान में ही बात है। और मैं भी इस बात को जो आज मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं क्योंकि हमारे खान विभाग तो आपको जो भी इस तरह के शिकायतें आ रही तो सब हम संगठन को पहुंचाएंगे, सरकार को पहुंचाएंगे और इस पर समुचित कार्रवाई की। सर इसके अलावा आप संसदीय सचिव बन चुके हैं और उद्योग परिवहन और आबकारी विभाग से भी आपका संबंध बताया गया है, तो आप युवा बेरोजगारों और बेरोजगार लोगों के लिए आपके पास क्या वो है ताकत? अभी हमारा जो नरवा गरवा घुरा उबारी दिया वो केवल जल संरक्षण या जानवरों के पशुओं के इनके देखभाल की योजना नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर गांव में एक औद्योगिक केंद्र खोलेगा, मतलब हम गोठान को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने वाले हैं जहाँ के जितने स्व सहायता समूह हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको अपने हुनर के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिए जाएंगे और उनको रोजगार भी दिए जाएंगे। इनके जितने भी हमारे इनके स्किल मैपिंग के काम शुरू हो गए हैं और जिस विधा में जो जो आदमी करना चाहता है क्योंकि यहाँ काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी। शिक्षक भर्ती काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है, इसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? ये